नवी मुंबई नेटवर्क। तुर्भेचा विकास आमचा ध्यास, इस संकल्पना के साथ तुर्भे को सुरक्षित और विकासशील प्रभाग के तौर पर तब्दील करने के मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक रामचंद्र घरत द्वारा मानखुर्द की तर्ज पर नवी मुंबई सानपाड़ा ब्रिज के नीचे साफ सफाई और संरक्षण ग्रिल के कार्यों का धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुभारम्भ किया गया। गौरतलब है कि हर दिन रोजाना हजारों की संख्या में यहां प्रवासियों का आवागमन होता है, मगर देर रात सानपाड़ा ब्रिज असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। आए दिन नशेड़ियों और गैर सामाजिक तत्वों के कारण महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की असंख्य वारदातें बढ़ चुकी हैं। प्रवासियों का यहां से गुजरना भी दूभर हो चुका था। इतना ही नहीं, इसी ब्रिज के नीचे एक हत्या की घटना ने भी इस स्थल को बेहद असुरक्षित बना दिया था। यही कारण है कि रामचंद्र घरत ने नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को ज्ञापन सुपुर्द कर सानपाड़ा ब्रिज में सुरक्षा ग्रिल लगाने के कार्यों की मांग की थी। रामचंद्र घरत द्वारा लगातार फॉलोअप करने के पश्चात आयुक्त अभिजीत बांगर ने मानखुर्द की तर्ज पर सानपाड़ा ब्रिज के नीचे साफ सफाई और संरक्षण ग्रिल लगाने के कार्यों को अपनी मंजूरी दे दी है। यही कारण है कि वर्षों से प्रलंबित इस काम को आज रामचंद्र घरत के अथक प्रयासों से मनपा के माध्यम से अंजाम दिया जाएगा। नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए रामचंद्र घरत ने विश्वास जताया कि सुरक्षा को लेकर आज सबसे बड़े प्रश्न का निराकरण हुआ है और असामाजिक तत्वों का ये अड्डा अब गैर कानूनी गतिविधियों से मुक्त हो जाएगा। या एरिया मध्ये या क्षेत्रा मध्ये जवळ जवळ रोज 25-30 हजार लोक प्रवासी वावरत असतात आणि मग इथे घाणीचं साम्राज्य, इथे लोकांचं सुलसुलाट आणि घाणेरडे लोक जे गर्दुली असतील, रेपेस्ट असतील, इथे एक मर्डर देखील झाली आणि अशा या घाणेरड्या क्षेत्र असं बनलं होतं आणि त्या माध्यमातून मी कमिशनरकडे पाठपुरावा करून एक तुर्भ्याचा विकास आमचा ध्यास हा संकल्प पुढे घेऊन अनेक कामं मी करत असतो। आता एल ई डी स्क्रीनचे लाईट सुरू आहेत, तलावाला सुशोभीकरण केलं, आता ग्राउंडची कामं झाली, मोठ्या प्रमाणामध्ये ही सगळी कामं करत असताना हा एक काम राहून गेला होता आणि म्हणून ह्या कामासाठी एक मोठं सुसज्ज असं एक टार्गेट करून मानखुर्दच्या ब्रिजच्या खाली धर्तीवर एक महानगरपालिकेचा अधिकारी मी मानखुर्द ब्रिजजवळ नेला, त्याला दाखवलं की कशाप्रकारे ह्या ब्रिजला कव्हर केलं पाहिजे आणि म्हणूनच कमिशनरने ते ताबडतोब मान्य केलं आणि ह्या ब्रिजला कव्हर करून इथले जे घाणेरडे प्रवृत्तीचे लोक आहेत, जे प्रवाशांना त्रास देतात, चोरांचा सुलसुलाट, रेपिसांचा सुलसुलाट, इथे गर्दुलींचा सुलसुलाट, मध्यंतरी एक मर्डर देखील झाली, या लोकांपासून आपल्याला संरक्षण मिळण्यासाठी ही संरक्षण भिंत, संरक्षण ग्रिल आता आपण इथे लावतो। वहीं स्थानीय प्रवासी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए रामचंद्र घरत के कार्यों की सराहना की। आज सानपाड़ा ब्रिज खाली रामचंद्र घरत साहेबांच्या हस्ते सुरक्षेचा भिंतीचं काम चालू झालेलं आहे। इथे आधी महिलांना छेडछाड करणारी लोक, गर्दुल्ले लोक, दारू पिणारी माणसं यायची राहायची, त्या लोकांना इथून काढण्यासाठी साहेबांच्या हस्ते इकडचं काम आज सुरू करण्यात आलेलं आहे। Bureau Report, Navi Mumbai Network. Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower.